हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इस तरह से व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना। सर झुकाए मैं सोचता हूँ। तो गाइस, इस तरह के स्टेटस बनाने के लिए आपको जिस ऐप, जिस वीडियो और जिस इमेज की जरूरत पड़ेगी, उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको सबसे पहले वहां जाना है, पहले तो आपको उन सभी को डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद गाइस, मैं आपको बताते जाता हूं कि आपको इस तरह की एडिटिंग कैसे कर लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है। अब गाइस, आपको इसके प्लस के आइकन में क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद साइड में आपको एक 16:9 रेशियो के एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस, आप काइन मास्टर में इंटर हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसके मीडिया वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना। अब इसके बाद गाइस, आपको उस बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है यहां से। तो चलिए, मैं भी यहां से उस बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इसके बाद गाइस, आपको यहां से बैक आ जाना है। अब आपको यहां पर अपनी कोई एक इमेज लगा लेनी है, तो इसके लिए आपको साइड में एक लेयर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपको ऊपर एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहां भी क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपकी गैलरी आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाती है। अब आपको यहां से अपनी कोई एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं भी यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको इस इमेज को यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो चलिए, हम भी यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। और आपको इस इमेज को लास्ट तक खींच कर ले जाना है, बिल्कुल इस वीडियो के लेंथ तक। अब गाइस, आपको इस इमेज में कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए आपको साइड में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पर एक कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी पिक्चर के हिसाब से इसके कलर को एडजस्ट कर देना है। अब इसके बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब ऊपर आपको एक कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी फोटो के हिसाब से कोई भी एक फिल्टर को सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद आपकी ये वीडियो लगभग तैयार हो ही जाती है, बस आपको यहाँ पर कोई अपनी एक म्यूज़िक लगा लेनी है। तो इसके लिए साइड में आपको एक ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ऑडियो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से जो भी म्यूज़िक लगानी है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिलता है, तो आपको यहाँ भी क्लिक कर देना है। तो इस तरह से गाइस, आपकी ये वीडियो तैयार हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे अपनी गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए साइड में आपको एक सेव का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ भी क्लिक कर देना है।